ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बीते कुछ वक्त से चर्चा में हैं। बार बार इस स्टार कपल के अलग होने की खबरें फैल रही हैं, लेकिन अभी तक ना तो ऐश और ना ही अभिषेक ने इन अफवाहों पर कुछ भी बोला है। ऐश जहां भी जा रही हैं, अपनी इकलौती बेटी आराध्या संग जाती हैं। हाल ही में ऐश को पेरिस फैशन वीक और आईफा अवार्ड 2024 में बेटी के साथ देखा गया था, जहां अभिषेक दूर दूर तक नजर नहीं आए थे। ऐसे में ऐश और अभिषेक के रिश्ते पर बार बार सवाल उठने लगते हैं। अब इस बीच लोगों के हाथ ऐश की डायरी का वो पन्ना लगा है, जिसमें वो अपने दिल की कहती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, लोगों के हाथ जो ऐश्वर्या की डायरी का पन्ना लगा है वो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस डायरी में ऐश ने कभी अपने होने वाले पार्टनर के बारे में बातें लिखी थी। ऐश ने बताया था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। डायरी में भी ऐश ने एक आइडियल पार्टनर के बारे में लिखा था। ऐश ने लिखा था कि लोगों पर कीचड़ उछालने वाले लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐश्वर्या अपनी लाइफ में प्राइवेसी को बरकरार रखती है। वहीं डायरी के पन्नों पर ऐश्वर्या ने अपना दर्द भी बयां किया था। इसमें एक्ट्रेस ने लिखा था कि वो अपना दर्द सिर्फ अपने अंदर रखती हैं। ऐश को अपनी तकलीफ किसी के संग शेयर करना पसंद नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऐश्वर्या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को दखल नहीं करने देती हैं। ऐश अपने दर्द को लेकर खुद जीने वाली शख्सियत हैं और किसी के साथ इसे शेयर करना पसंद नहीं करती हैं। बता दें, ऐश्वर्या और अभिषेक ने साल 2007 में शादी रचाई थी। इस शादी से स्टार कपल को एक बेटी आराध्या बच्चन है। अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश का नाम एक्टर विवेक ओबेरॉय से भी जुड़ा था। ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया की नजर में ऐश का पहला प्यार सलमान खान था। वहीं जब अंबानी फैमिली की शादी में ऐश्वर्या राय को अपने ससुराल वालों से अलग देखा गया था, तब से ऐश और अभिषेक के रिश्ते में अनबन की खबरों ने जोर पकड़ लिया और अभी तक ये मामला जोर पकड़ा हुआ है, लेकिन इस बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आती है।